पहाड़ी जंगल की भूतिया कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल में रात के समय भूत प्रेतों का बसेरा होता था। रामू गांव का एक नौजवान इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। एक रात अपने दोस्तों के साथ उसने तय किया कि वह जंगल में जाकर सबकी गलतफहमी दूर करेगा। अगली रात रामू ने अपने दोस्तों के साथ जंगल जाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में वे सभी जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए वहाँ की हवा ठंडी और भारी होती गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब सी आवाजें कर रही थी और दूर से कभी कभी किसी जानवर की चीख सुनाई देती थी। चलते चलते वे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के पास पहुँचे। हवेली के दरवाजे पर एक काले रंग की बड़ी ताला लगा था। रामू ने साहस दिखाते हुए ताला तोड़ दिया और सभी अंदर चले गए। हवेली के अंदर की हवा और भी ठंडी थी और वहाँ अजीब सी बदबू आ रही थी। अचानक हवेली के अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। रामू और उसके दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे धीरे धीरे उस आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगे। तभी सामने के कमरे का दरवाजा जोर से खुल गया और एक सफ़ेद साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसके लंबे बाल, लाल आँखें और चेहरा भयानक था। रामू के दोस्तों ने डर के मारे भागना शुरू कर दिया, लेकिन रामू को अपने पैरों में कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो पाया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पैरों को जकड़ लिया है। रामू ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं सका। तभी वह भूतिया साया रामू के पास आकर बोला, ये जंगल और यह हवेली हमारे हैं। जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। रामू की सांसें तेज हो गईं, उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसे अपने दोस्तों की चीखें सुनाई दी जो बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। अचानक रामू के सामने अंधेरा छा गया और उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। जब उसने होश संभाला तो वह गांव के मंदिर के पास पड़ा था। उसके शरीर पर कई चोटें थीं और वह बुरी तरह घायल हो चुका था। गांव के लोगों ने उसे देखकर पहचान लिया और उसकी मदद की, लेकिन रामू के साथ जो हुआ उसने उसकी हिम्मत को तोड़ दिया। अब वह कभी उस जंगल का नाम तक नहीं लेता था और न ही कभी रात के समय बाहर निकलता था। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात रामू के दोस्तों का कुछ भी पता नहीं चला। वे कभी वापस नहीं आए और वह पुरानी हवेली अब भी जंगल के बीचों बीच खड़ी है जहाँ भूत प्रेतों का बसेरा है।